बिथरी चैनपुर क्षेत्र के गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, अस्पताल में लैब का काम करने वाले की मृत्यु हो गई। मृतक का शव थाना बिथरी चैनपुर के गांव परसोना में एक नहर में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक की पहचान रोहित मिश्रा पिता सर्वेश कुमार मिश्रा रजौ परसपुर के रूप में हुई। मृतक के पिता सर्वेश कुमार ने बताया कि उनका 23 वर्षीय पुत्र शान अस्पताल थाना कैंट के ठिरिया निजावत खान में लैब का काम करता था। शनिवार को बेटे का फोन आए कि आज घर पर नहीं आएगा। पेश है बरेली के संवाददाता मोहज्जम हुसैन की खास रिपोर्ट। लड़के के पिताजी है ना, कब से कहा था लड़का? 23 तारीख तहरीर वगैरह दी थी कोई आपने? रिपोर्ट लिखवा दी कैंट थाने में। रिपोर्ट लिखवाई थी? कब लिखवाई थी ये? 23 तारीख को लिखवाई थी। क्या काम करता था? पैथोलॉजी लैब पे काम करता था हॉस्पिटल में। थिरिया निजाबत खान, वहाँ पे उनके डॉक्टर साहब से पूछा आपने? हाँ, 6 बजे चले गए। लड्डू परसपुर के रहने वाले हैं भैया। हाँ।